हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं फिश करी बहुत ही इजी वे में। तो आप ज़रूर घर पे बनाना ट्राई करना और कमेंट में मेरे को बताना। तो हमने पहले कढ़ाई ली है, उस पर हमने पहले ज़ीरा को तड़का मारा है, फिर हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को अच्छे से हम भूनेंगे ताकि थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट हो जाए, ज़्यादा नहीं करना बस हल्का सा। और अब देखना हम इसको कैसे बनाएंगे। अब इसमें देखो, हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाला है, सिर्फ अदरक लहसुन और हरी मिर्च, और हम इसको अच्छे से मिला देंगे। देखो बचा कुचा भी है वो भी डाल दूँ अच्छे से, फिर इसको अपन मिक्स करेंगे। और हाँ, कम से कम इसको 30 सेकंड तक तो भूनना ही है अदरक लहसुन को, ताकि अच्छा फ्लेवर आए उसका, कच्चा अपन ना रहे। अब देखो इसको अच्छे से, अब मैंने इसमें नमक डाल दिया है, सॉल्ट टेस्ट के अनुसार। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगा मैं। फिर उसके बाद देखो, मैंने इसमें हल्दी और लाल मिर्च डाली है, सिर्फ हल्दी और लाल मिर्च, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ताकि फ़िश का ही फ्लेवर है, सिर्फ मसालों का नहीं है। ये देखो, इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगा मैं, इसको भूनूंगा मैं, चलाते रहूंगा ताकि चिपके नहीं, अच्छे से डाल दूंगा। ये देखो, ये अब इसमें मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च डाली है कलर के लिए, ताकि लाल कलर है अच्छा सा। फिर इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिया है, टमाटर को भी अच्छे से इसको मैं मिक्स करूँगा, भूनूंगा, मसाले को चलाते रहूँगा मैं ताकि चिपके नहीं है। टमाटर डाल दिया है। और हाँ, मेरे जो ये फ़िश है, मैंने स्पेशली उड़ीसा से मैंने मंगवाई थी, आप आगे देखना। ये मैंने थोड़ा डाल दिया इसमें चिकन मसाला फ्लेवर के लिए, थोड़ा अच्छा फ्लेवर आता है चिकन मसाला से, आप भी ट्राई करना, आप भी इसको डालना। और ये थोड़ा करी मसाला है मेरे पास, करी पाउडर, आप कोई से भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो, किचन किंग, एवरेस्ट वगैरह। ये देखो मसाला भुन चुका है, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया, इसमें मैंने आपका जो रिक्वायरमेंट है पानी का, आप उस हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हो। मेरे को ज़्यादा पानी चाहिए, ग्रेवी चाहिए मेरे को पतली पतली, तो पानी डाला है। मैंने ढक दिया था इसको, मैंने निकाला, देखो अच्छे से बॉईल हो गया, देखो ये मैंने बॉईल किया था बहुत अच्छे से, ये देखो ये भाप आ रहा। अब मैं इसमें धीरे धीरे, ये मैंने खटाई के लिए यूज़ करा, मैंने ये ड्राई मैंगो होता जो अपनी कच्ची करी होती ना, उसको काट के ड्राई करते हैं। देखो मैं फ़िश डाल रहा हूँ इसके अंदर, अब ये फ्राइड फ़िश है, और मैंने इसको ऑलरेडी फ्राई करा था सिर्फ हल्दी ला के, कुछ भी नहीं। देखो कर दिया, इसको अच्छे से बॉईल करा मैंने, इसको करीब करीब 10 मिनट मैंने बॉईल करा था। देखो क्या बेहतरीन लग रही है, क्या हैवी सीन लग रहा। बस इतना ही इसका है प्रोसेस, आप घर पे ट्राई करो, मुझे बताना। बाय।